हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी के एक नए व्लॉग में। तो रेल में पहुंच गया हूँ मेरे हॉस्टल पे और आज से हमारे कॉलेज रेगुलर स्टार्ट है। तो अभी सुबह 6 बजे है और अभी से 5 मिनट हुए और सब यहाँ पे मतलब 15 दिन के बाद आ रहा हूँ तो मुझे सब एकदम नया नया लग रहा है। तो 15 दिन के बाद है तो सबसे पहला में क्या होता है कि क्या हमारे मतलब हम 15 दिन घर गए उसमें क्या चेंज हुआ है वो सबसे ज़्यादा हमें एक्साइटेड होता है। तो यहाँ का मतलब कुछ ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा रूम वगैरह ज़्यादा गंदे हो गए तो सफ़ा वाले भाई को बोलना पड़ेगा कि भाई थोड़ा अच्छे से साफ़ कर दो। अब सब लोग आ गए। बैकग्राउंड है यहाँ से और बस इसी के साथ मेरा वैकेशन ख़त्म होता है। और ये मोर कहाँ है दिखाऊँ, हाँ देखो मोर भी दिख रहा है। मैं दिखाता हूँ मोर की आवाज़ आ रही है तो मोर में दिखाता हूँ आपको। ये एक बंदे से सो रहा है अभी। अभी भी नहीं जग रहा। एनीवेज का ऐसा भी किसी की नींद खराब नहीं करनी। बाद में जाता हूँ तो सब मतलब से पहले सब सामान में सेट कर दो, उसके बाद नहाना भी है। और चलो गैस बहुत ज़्यादा बात हो गई, अभी थोड़ा काम करते हैं उसके बाद में। तो फाइनली सभी जो मैं घर से सामान लेके आया था वो सब सेटअप कर दिया, यहाँ पे कबर्ड पे रख दिया। और अभी मुझे याद आ रहा है कि मैंने अभी फ़ोन रखा था और मेरे पास दूसरा फ़ोन है, लेकिन हाँ अभी भी चार्ज है भाई, अभी भी 26% चार्ज पे। और लेकिन इस फ़ोन को चार्ज करने रखते, तो इस फ़ोन में चार्जिंग 26% है तो चार्ज करने चलते हैं, क्योंकि मेरे पास USB पोर्ट नहीं है। तो सामने वाले रूम पे चलते हैं वहाँ पे। तो सही बात है भाई, 15 दिन में अरे मैं कितने 60% की चार्जिंग था, तो 15 दिन फिर भी 15 दिन फ़ोन रहा फिर भी चार्जिंग कितना कम रही इसको। तो चलो अभी एक जे राउंड मारते दोस्त के पास, 15 दिनों से मिले नहीं तो मिले, चलते एक बार मिले क्या बोलते साहब। लॉक लग गया, खुल जा सिम से। ब्रो कैसा है? बस बढ़िया बढ़िया। कैसा रहा वेकेशन? अरे फुल मौज। अरे वेकेशन कम लगा ऐसा लगता है, अरे पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। यहाँ पे मस्त काम किया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कहाँ है बाकी सब लोग? और साहिल ब्रो कैसे हो? कैसे है साहिल? कैसा रहा वेकेशन? कोई ना चलो कि चलते ना लियो तो हम ही बचे हैं। वेकेशन मजा है। मुझे लगा कि मुझे कम लगा वेकेशन 15 दिन का, क्या लगता है? बहुत कम यार, कम से कम 1-2 मंथ का तो होना चाहिए मेरे। 15 दिन में क्या होता है। तो बस इतना ही कि अभी चलता हूँ खाना खाने के लिए, और नहीं पहले नहाना है फिर खाना है। कैसा है? अरे कैसे दुनिया में आ गए, अब पता चलेगा कैसा लग रहा है। अरे यार अभी यार एक दिन भी, आज का दिन तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है क्योंकि मैं ट्रैवलिंग की और पूरा दिन आज बहुत थक गए आज भी। पर अभी जाके एनाटॉमी का लेक्चर है ना। अरे यार मैं मेरा बाकी चलो चलो भाई बाद में चलो गाइस फिर चलते हैं नहाने के लिए, उसके बाद खाना मेश में जाना। कितना 15 दिनों से मेश का खाना नहीं खाया। आज मैं दिखाता हूँ मेश में क्या होता है, लाइनिंग क्या मतलब मेश के खाने के लिए लोग तरसते हैं। आपको पता है मेश में खाना के लिए लोग तरसते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा दोपहर को। तो गाइस रेडी हो चुके और अभी मैं जा रहा हूँ मेश में और मेरे साथ है दीव। और बताओ दियो कैसा रहा वेकेशन। जबरदस्त जबरदस्त मांगते थे, जबरदस्त वेकेशन रहा। पानी ब्रो कैसे आर्यन ब्रो, जय स्वामीनारायण। मिलिए हर्षिल से। अरे हर्षिल आ तो जा भाई ब्लॉग में, थोड़ा इधर इधर। लास्ट ब्लॉग की जो आपने देखा होगा शायद से, नहीं देखा तो देखो, कौन सा था, प्लांटेशन वाला था ना, तो सारी जो वीडियो की फुटेज थी वो हर्षिल ने क्लिक की थी। तो मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। अरे अभी तो अभी सिर्फ एक दिन भी अभी कंप्लीट नहीं हो, सभी को 24 घंटे नहीं और सभी को अपने घर जाना है। तो मिलिए श्रेय भाई। श्रेय क्या था यार इतने दिनों से, घर पे और कहाँ पर? कैसा रहा है? कैसा बढ़िया। खाना में है अचक अमन ढोकला, लेकिन मुझे नहीं खाना था तो मैंने लिया पार्ले जी बिस्किट और चाय। और बिस्किट खाओ, चाय पियो, बिस्किट खाओ। श्रेय ब्रो से बात करें। श्रेय ब्रो भाई, लास्ट वीडियो हमने वीकेंड वाइब स्टार्टिंग अराउंड 3 मंथ हो गए, तब तो लास्ट वीडियो में था, तो अभी तक तो कहा था, ऑडियंस का सवाल है, अभी तक तो कहा था, बताओ। रूम पर था, फिर मैं भी भूल जाता था कि श्रेय ब्रो तो हमारी ओजी गैंग है, ओजी गैंग में लेना है उससे लेने। और स्मित वन ऑफ द टॉपर ऑफ माय स्कूल, नहीं कॉलेज। अच्छा गलत गलत हो गया। कॉलेज तुम्हारा पहला दिन है? हाँ मतलब आफ्टर मेरी वेकेशन नहीं। अरे आज मुझे मतलब जब मैं पहले दिन, मैंने पहले जो फर्स्ट डे ऑफ माय कॉलेज वाला ब्लॉग बनाया था ना, ऐसी आज फीलिंग आ रही है। लेकिन आज डिफरेंस ये है कि हम एक दूसरे को सबको जानते हैं, पहले नहीं जानते थे। आउटरो आउटरो बोल दे, चल आउटरो शू बोलो, चल ना बोलते बोलते यार इसको, मेरा आउटरो परफेक्ट तरीके से आता है, तो तेरे साथ आउटरो बोल नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो इसी के साथ आज कॉलेज के सब लेक्चर्स खत्म होते हैं। दिन था वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो सोचा नहीं था ऐसा था, अनप्रिडिक्टेबल था कि ऐसा भी दिन हो सकता है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम थी और अराउंड 60 लोगों ने एग्ज़ाम दी थी और बाकी के 140 लोग घर चले गए। तो एग्ज़ाम नहीं दी थी तो वो पेरेंट्स को उसके कॉल किए, एक लव लेटर। क्या बोला तूने? 7 करोड़ सॉरी, एक अपोलोजाइज लेटर लिखवाया। तो बस यही सीन था कि यही था। और मेरी भी मैंने दीदी से बात करवाई और सब सोटा हुआ। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तो अभी मैं जाऊँगा सोने। तो बस फिलहाल के लिए वीडियो में बस इतना ही है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल स्नैक को फॉलो करना मत भूलिएगा। यस यही कि मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस।